तो हेलो गाइस, क्या आपकी जियो फोन में कॉल फेल करके एक प्रॉब्लम आ रहा है? अब जब भी किसी नंबर को डायल कर रहे हो दिखा रहा है कि कॉल फेल, किसी भी नंबर में कॉल नहीं लग रहा है। तो इस ऊपर में देख सकते हो इधर में नेटवर्क भी आपकी नहीं आ रहा है, कोई भी इधर में नेटवर्क नहीं आ रहा है, जियो 4G कोई भी लिखा इधर में नहीं है। और अगर आपकी जियो फोन में कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, अब लोग ऊपर में देख सकते हो इधर में जियो 4G लिखा हुआ है लेकिन इधर में नेटवर्क नहीं है, और गाइस LTE जो लिखा हुआ है इधर में वो लिखा नहीं है। तो गाइस देख सकते हो कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आपके फोन में आ रहा है। और गाइस इधर में नेटवर्क आना जाना करता है, आप लोग का जो नेटवर्क है इधर में वो कभी बढ़ रहा है कभी कम रहा है। तो गाइस और आप लोग कोई भी नंबर को डायल कर रहे हो लेकिन इधर में दिखा रहा है कॉल फेल, कोई भी नंबर में कॉल नहीं लग रहा है। गाइस देख सकते हो कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आपके फोन में अगर हो रहा है, तो गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए है, आपकी सारी प्रॉब्लम कॉल फेल रिलेटेड इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस पहले तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूं कि मेरा जियो फोन में कोई भी नेटवर्क इधर में नहीं दिखा रहा है, और एक नंबर आप लोगों को मैं डायल करके दिखा देता हूं। तो गाइस देख सकते हो इधर में एक नंबर को मैं डायल कर चुका हूं। तो गाइस नीचे में देख सकते हो इधर में दिखा रहा है, जब डायल कर रहा हूं दिखा रहा है कॉल फेल, आप लोग देख सकते हो इधर में दिखा रहा है कि कॉल फेल, बार बार डायल कर रहा हूं लेकिन इधर में दिखा रहा है कि कॉल फेल, कभी कॉल नहीं लग रहा है। तो गाइस इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए वही मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको इस बटन का आपको प्रेस करना है, उसके बाद आपको आपके जियो फोन का जो एयरप्लेन मोड है उसको ऑन कर देना है। तो गाइस देख सकते हो मेरा जो जियो फोन है इधर में एयरप्लेन मोड में है, उसके बाद आपको थोड़ी देर इधर में वेट कर लेना होगा। तो गाइस मैं थोड़ी देर वेट कर चुका हूँ, उसके बाद फिर से आपको जो एयरप्लेन मोड है उसको ऑफ कर देना होगा। तो गाइस देख सकते हो मैं जो एयरप्लेन मोड को ऑफ कर दिया हूँ लेकिन तब भी मेरा जो नेटवर्क इधर में नहीं आ रहा है। तो गाइस अभी आप लोगों को फिर से जो है एयरप्लेन मोड को ऑन कर देना है। तो गाइस देख सकते हो मेरा जो है जियो फोन एयरप्लेन मोड में चला गया है, उसके बाद आपको सिंपल से इधर से बैक कर देना है और आपके जियो फोन को स्विच ऑफ कर देना है। तो गाइस देख सकते हो मैं इसको स्विच ऑफ कर चुका हूँ। तो गाइस अभी जो है आपके जियो फोन का पीछे वाला जो हिस्सा है आपको खोलना होगा और इसका बैटरी और सिम कार्ड को आप जियो फोन से निकाल लेना होगा। तो ये देख सकते हो मैं जो है इसका सिम कार्ड निकाल लिया हूँ, उसके बाद आपको कोई एक दूसरा वाला जो सिम कार्ड है वोडाफोन लाइक वोडाफोन आइडिया कोई भी सिम कार्ड को आपको इसमें इंसर्ट कर देना है। तो ये देख सकते हो मेरे पास जो है एक वोडाफोन का सिम है, मैं इसको इधर में लगा देता हूँ। तो देख सकते हो मैं जो है वोडाफोन का सिम इस जियो फोन में लगा दिया हूँ, उसके बाद आपको फिर से जो है बैटरी को लगाना है और गाइस जियो फोन को फिर से स्टार्ट करना है। तो गाइस इसको स्टार्ट हो जाने देते हैं। तो गाइस देख सकते हो मेरा जो जियो फोन है इधर में स्टार्ट हो गया है। तो गाइस ऊपर में देख सकते हो एयरप्लेन मोड ऑन है। अभी आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, आपको फिर से जो है एयरप्लेन मोड को इधर में ऑफ करना है। तो गाइस इसके लिए आप फिर से उधर में जाइए और इधर से आपको एयरप्लेन मोड जो है इधर से ऑफ कर दीजिए। तो गाइस देख सकते हो मैं जैसे ही एयरप्लेन मोड को ऑफ किया हूँ इधर में कुछ लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हो प्लीज इंसर्ट जियो सिम, इस तरह का कुछ लिखा इधर में आ रहा है। तो गाइस आपको बोल रहा है कि आपको जियो सिम को फिर से जियो फोन में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो गाइस अभी फिर से आपको जियो फोन का जो है एयरप्लेन मोड को फिर से ऑन कर देना है, उसके बाद इधर से आप लोग बैक कर दीजिए, उसके बाद फिर से जो है जियो फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए। तो गाइस उसके बाद फिर से आपको जियो फोन को खोलना होगा, उसका बैटरी निकाल के ये जो वोडाफोन का जो सिम आपने लगाया था उसको निकाल लेना होगा, फिर से आपको जियो सिम जियो फोन में डाल देना होगा। तो गाइस देख सकते हो मैं जो है इधर में जियो सिम को जियो फोन में लगा चुका हूँ और गाइस मैं फिर से जियो फोन को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो गाइस देख सकते हो इधर में जो जियो फोन है मेरा वो स्टार्ट हो रहा है। तो गाइस इसको स्टार्ट हो जाने देते हैं। तो गाइस इधर में देख सकते हो मेरा जो जियो फोन है इधर में स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ पहले। तो गाइस देख सकते हो इधर में जो एयरप्लेन मोड है इधर में ऑन है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो गाइस इधर में देख सकते हो मैं जैसे ही एयरप्लेन मोड को ऑफ किया हूँ इधर में देख सकते हो मेरा जो नेटवर्क है इधर में आ गया है। तो गाइस देख सकते हो मेरा जो जियो फोन का जो नेटवर्क है इधर में आ गया है। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को कॉल करके दिखा देता हूँ। तो गाइस इधर में देख सकते हो मैं जब भी एक नंबर को इधर में डायल कर रहा हूँ, तो गाइस इधर में देख सकते हो जो कॉल जो इधर में लग रहा है कॉल फिर नहीं दिख रहा है। तो गाइस देख सकते हो कॉल इधर में लग रहा है। तो गाइस देख सकते हो ये जो जियो फोन का जो प्रॉब्लम है इधर में सॉल्व हो चुका है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने जियो फोन का जो कॉल फेल वाला प्रॉब्लम है बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस इस रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो गाइस इधर में आई बटन में क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। तो गाइस इस तरीके से ही हम लोग अपने जियो फोन का जो कॉल फेल वाला प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और इस तरीके का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल वाला आइकन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना।